अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद जलाल और सभी सुनने वालों को एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम आज अपने बीकॉम के एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को कवर करने वाले हैं, दैट इज जेंटल जाइंट्स। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों, इसको देखिएगा ज़रूर, पढ़िएगा ज़रूर। ये गोरिल्ला के मुतालिक है, एक जंबो नामी गोरिल्ला जिसने 1986 यानी कि 1986 में एक बच्चे की जान बचाई थी। तो वहां से इन लोगों का जो गोरिल्ला का इमेज था वो चेंज होना शुरू हुआ था। तो ये कहानी उसी पर डिपेंड करती है, तो इसको सुनिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम पहले पैराग्राफ से इसका स्टार्ट करने लगे हैं। दोज रिमार्केबल पिक्चर्स, वो काबिले जिक्र तस्वीरें जंबो गोरिल्ला की निहायत ही नरमी से, आजी से इल्तिजा कर रही हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है कि एक गोरिल्ला एक 6 साल के बेहोश बच्चे की हिफाजत कर रहा है, जिसका नाम लेवॉन मैरिट है। जिसने ये मंजर देखा, उन सबको इस मंजर ने हिला के रख दिया और उनमें से कई देखने वाले हैरान भी। गोरिल्ला के खूंखार होने की जो रेपुटेशन है वो ऐसी है कि वो इतने आराम से लोगों के जहनों से निकलने वाली नहीं है। लेकिन उसका मोहब्बत भरा रवैया क्या वाकई बहुत गैर मामूली था, या फिर अगर गोरिल्ला बाज़ औकात इंसानों के साथ हैवानों जैसा सलूक करते हैं, जैसा कि बहुत सी मशहूर दास्तानों में मिलता है, तो क्या ये वाकई में उनकी गलती है या फिर हमारी। पैरा नंबर 2 है हमारे पास, शर्ट पजल। टेक जंबो द बॉस मेल ऑफ द गोरिल्लाज इन अ ज़ू इन जर्सी। जर्सी के एक चिड़ियाघर के अंदर गोरिल्लाज का जो सरदार है वो एक नर है और उसका नाम जंबो है। जब उसका ध्यान एक मखसूस तरफ जाता है जहां पर लोगों का शोर है और लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, और वो वहां देखता है एक छोटा बच्चा बेहोश पड़ा हुआ है जमीन पर। मेरा ख्याल है और मुझे यकीन है कि उसे यकीनन वो फौरन से लगा होगा अपनी ही औलाद की तरह, क्योंकि उसका साइज और बनावट तकरीबन एक ही तरह की थी। उसने पाया कि बच्चे की कमर पर कोई एक चीज है जो कि एक शर्ट थी। जंबो के लिए वो चीज बिल्कुल अलग थी और हैरान कर देने वाली थी। उसने आराम से बच्चे की स्किन को छुआ अपनी उंगली से और फिर उसकी नाक को, और उसने पाया कि बच्चे की जो खुशबू है वो भी उसके बच्चों से बिल्कुल अलग है। पर इनमें से किसी चीज़ ने भी ना तो उसको गुस्सा दिलाया, ना ही उसके अंदर की हैवानियत जगाई। जब बच्चा होश में आया और उसने रोना शुरू कर दिया, तो जंबो ने इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया कि वो वहाँ से दूर चला गया और अपनी फैमिली को भी साथ ले गया। अगर 40 साल पहले कोई बच्चा इस तरह से पिंजरे में गिरता तो मुझे यकीन है कि उसके साथ इस तरह का रवैया नहीं होता, और हत्ता के जो चिड़ियाघर के लोग होते हैं वो भी यही समझते हैं, और वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि गोरिल्ला बहुत ख़तरनाक होते हैं। उन्हें जेल के पीछे रखा जाता है इन हालात में कि वो किसी से मुलाकात भी नहीं करते। दर हकीकत उन्हें ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया जाता है, जो कि तकरीबन हर दफ़ा ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि वो अपने रखवाली करने वालों पर भी हमला कर देते हैं। तो आप मुझे बताइए कि उन्हें किस तरह से इल्ज़ाम दिया जा सकता है। लेकिन जंबो ने वैसा नहीं किया, और ये ना सिर्फ एक इशारा है कि गोरिल्ला की असली नेचर वैसी नहीं होती जैसा हम लोग समझते हैं, बल्कि ये एक खराज तहसीन भी है जर्सी ज़ू की महारत और उनकी समझ के ऊपर कि किस तरह से गोरिल्ला की देखभाल की जाती है और उन्हें जितना मुमकिन होता है एक एडजस्टेड फैमिली का एनवायरनमेंट दिया जाता है। अगले पैराग्राफ में हमें पढ़ने को मिलता है कि गोरिल्लाज ने अपनी ये खौफनाक रेपुटेशन किस तरह से हासिल की। तो दरअसल ये सब शुरू हुआ पिछले सेंचुरी की
वस्त में यानी कि मिड में जब एक अमेरिकन एक्सप्लोरर ने एक बुक शाये की कि किस तरह से अफ्रीकन जंगलात में गोरिल्लास का शिकार किया जाए, और जिस पे एक ड्राइंग शामिल थी जिसमें एक बहुत बड़ा जख्मी गोरिल्ला एक शिकारी की बॉडी के ऊपर खड़ा हुआ है और एक निहायत ही खौफनाक अंदाज में धाड़ रहा है और अपने हाथों से उसने उस शिकारी की राइफल मरोड़ दी है। और इस तस्वीर ने लोगों के दिलों में घर कर लिया और 1930 में हॉलीवुड की आने वाली फिल्म एक नया भयानक ख्वाब साबित हुई जिसका नाम किंग कॉन्ग था, जिसमें एक बहुत ही बड़ा गोरिल्ले को पकड़ा जाता है और फिर उसके बाद वो पूरे न्यूयॉर्क शहर को दहशतज़दा कर देता है। कितनी गलत ये रेपुटेशन बना दी गई है गोरिल्लास की, जबकि फितरी तौर पर ये बहुत ही मासूम और ना हमला करने वाले जानवर होते हैं। वो तकरीबन पूरी तरह से सब्जी खोर होते हैं यानी कि वेजिटेरियन होते हैं और गुजारते हैं अपना पूरा दिन पत्ते खाते हुए और अफ्रीका के घने जंगलात की शाखें खाते हुए। वो फैमिली ग्रुप्स में रहते हैं और हर फैमिली का एक बड़ा होता है, सरबरा होता है, जो कि एक नर होता है और जो कि अपनी पूरी फैमिली की बहुत अच्छे तरीके से हिफाजत करता है। दरअसल वो होते हैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और दरख्तों की शाखों को दो हिस्सों में तोड़ने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करना पड़ता है खाना खाने के लिए और अपना पेट भरने के लिए। लेकिन शाज़ो नादिर ही ऐसा देखा गया है कि उन्होंने अपनी ताकत किसी और जानवर पर इस्तेमाल की हो। अगला पैराग्राफ है मुमकिना खतरा। जब हम अफ्रीका के जंगलात में गोरिल्लास शूट कर रहे थे तब हमने देखा कि वो कितने प्यार से और मोहब्बत से एक दूसरे से बर्ताव करते हैं। छोटे वाले आपस में खेलते हैं और झगड़ते हैं एक दूसरे के साथ। माएँ बैठी अपने छोटे बच्चों की निगरानी कर रही होती हैं कि वो मुमकिन किसी ख़तरे में ना पड़ जाएं। जो घर के सरबरा यानी कि नर होते हैं वो अपने छोटे बच्चों को अपने ऊपर झूलने देते हैं, अपने कान खींचने देते हैं, बिल्कुल एक इंसानी दादा की तरह या ग्रैंडफादर की तरह जो अपने पोतों को मोहब्बत में बिगाड़ रहे होते हैं। अगर हम उनकी तरफ जारहाना अंदाज में जाते या उन्हें डरा देते या चौंका देते तो ये मुमकिन था कि वो हम पर हमला करते, या इससे ज़्यादा मुमकिन था कि वो शायद जंगलात में दूर चले जाते हैं। चाहे कुछ भी हो, हम उनके लिए अजनबी थे और एक मुमकिना ख़तरे का ज़रिया। इस चैप्टर का फाइनल पैरा है शेगियर रिलेटिव यानी कि लंबे और घने बालों वाले रिश्तेदार। जैसा कि हम गोरिल्लास के पूरे ग्रुप को फिल्मा रहे थे, वहाँ मौजूद साइंटिस्ट जो उन पर स्टडी कर रहे थे, गोरिल्लास उनसे वाकिफ हो चुके थे और उन्होंने हमें अपने बहुत ही नज़दीक आने की इजाज़त दे दी थी। और एक मर्तबा जो हुआ उसे मैं शायद अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भुला सकता। एक मदर गोरिल्ला जो मुझसे कुछ ही फासले पर बैठी हुई थी, उसने अपने बच्चों को इजाज़त दी कि वो आएं, मुझ पर चढ़ें, मुझ पर से कूदें और मेरे साथ खेलें। तो अब इन खूबसूरत क्रिएचर्स का क्या मुस्तकबिल है जो कि शायद हमारे जानवरों में सबसे नज़दीकी रिश्तेदार हैं और जो कि खुद खतरे से दोचार हैं जंगलात में रहते हुए। चंद हज़ार से ज़्यादा ऐसे गोरिल्ला नहीं हैं जंबो की तरह जो अब तक ज़िंदा हैं, और इसके कुछ लंबे और घने बालों वाले रिश्तेदार जो कि इससे थोड़े से बड़े हैं पहाड़ी गोरिल्ला, वो तो चंद सौ रह गए हैं। हमने जंगलात को तबाह कर दिया है जिनके ऊपर इनका गुजर बसर होता है। हम इनका शिकार करते हैं और मुलव्वज़ हैं इनको कत्ल करने में, और ऐसा करने से शायद हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि शायद हम इनसे बेहतर हैं।
अफसोस और शर्म की बात यह है कि ये गोरिल्ला नहीं है जो हमसे ज़्यादा खूंखार और ख़तरनाक हैं, ये हम हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा बीकॉम के बुक से एक और हमारा चैप्टर जेंटल जाइंट्स। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ऑब्वियसली फॉर श्योर आपने इसको बहुत इंजॉय किया होगा। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये चैप्टर है और ये एक ऐसा चैप्टर है जो नॉर्मली हमें गोरिल्लास के बारे में इस तरह का इमेज नहीं बताया जाता या पोर्ट्रे किया जाता। तो ये पढ़ने के बाद हमें वाकई में पता लगा कि जाइंट्स वाकई में जेंटल हैं और कितनी खूबसूरत ये क्रिएचर अल्लाह ताला ने बनाई है, जिनका सिर्फ इमेज हमारी नज़रों में गलत है। तो दोस्तों, अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।